अम्मी एक बात पूछूं आपसे। कहीं माहिर ने तो भाभी की चेन नहीं चुराई? क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरा बच्चा चोर है जो उसका जेवर चोरी करेगा? नहीं, लेकिन आपने कहा तो था कि माहिर ने पहले भी आपके वॉलेट से पैसे चुराए थे। हाँ, तो अपनी माँ के बटुए से निकाले थे। तुम भी तो पैसे निकाल लेती हो ना? मैंने कभी आपकी इजाजत के बगैर आपके पैसे नहीं निकाले। माहिर पैसों के मामले में हमसे पहले भी झूठ बोल चुका है। और आपको याद है ना, स्कॉलरशिप की फीस उसने। अच्छा, मगर मेरा दिल नहीं मानता कि माहिर इस तरह की हरकत कर सकता है। उसे जेवर चुराना था तो मेरा चुरा सकता था। और मानूर के दराज को तो लॉक लगा होता है और चाबी उसके अपने पास होती है। लेकिन हो सकता है कि माहिर को चाबी मिल गई और दराज उसने खोल ली। मेरा दिल नहीं मान रहा अम्मी, आप एक बार उससे पूछिएगा। मेरा शक सिर्फ और सिर्फ माहिर की तरफ ही जा रहा है। वो इसलिए कि बिला वजह का बैर है तुम्हें उससे। हर वक्त तुम दोनों झगड़ा करते रहते। झगड़ा वो शुरू करता है हमेशा अम्मी। अच्छा, जो भी है खुद पूछ लूंगी मैं उससे। तुम फराज और मानूर के सामने इस बात का जिक्र न करना। पता चले कि वो बेचारा बेकसूर है, बिला वजह का मुजरिम बन जाए। मुझे तो लगता है कि सेवर भी कोई नहीं गुम हुआ, ड्रामा कर रही है। चाहती है कि हम फराज के सामने शर्मिंदा हो जाएं। चेन गायब होने वाली बात खुल चुकी है और ये आयमा की बच्ची अम्मी को डायरेक्ट मेरे खिलाफ भड़का रही है। इस वक्त अगर मैं बाइक घर लाया ना तो सबको शक हो जाएगा। बाइक कुछ अरसे के लिए सलमान के घर खड़ी कर देता हूँ। ये मामला भूल जाएंगे तो ले आऊंगा।